सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं आप लोग? तो SBT बिहार ने एक नोटिस निकाला है आज के डेट में, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के मामले में। सबसे पहला बात, जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास सफिशियंट टाइम है, ऑलरेडी 2 महीने उन्हें टाइम मिल चुका है, उसके बाद भी 3 महीने टाइम मिला, यानी कि टोटल उन्हें 5 से 6 महीने टाइम मिला फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर थर्ड सेम में हैं, सिक्स सेम में हैं, फिफ्थ सेम में हैं, इनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात सामने आई है SBT बिहार के तरफ से। तो सबसे पहले मैं नोटिस दिखाता हूँ, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि सच में 6th सेम का एग्जाम क्या 2 मंथ में कराने जा रही है SBT बिहार, तो अगर ये ऐसा हुआ तो क्या इसके आउटकम होंगे, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा डिप्लोमा स्टूडेंट्स पे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले SBT बिहार से रिलेटेड सारा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नोटिस की तरफ चलते हैं, और ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं जो कि 10/3/2022 के डेट में निकली है, जिसमें कि कहा गया है पार्षद द्वारा आयोजित की जाने वाली सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स की संभावित तिथि के बारे में, परीक्षा तिथि के बारे में। और नीचे जब आप पढ़ोगे तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स की संभावित परीक्षा तिथि जो है 1 जून 2022 दिया गया है। कब? 1 जून 2022। तो सबसे पहले हम लोग के इस मन में जो सवाल उठता है कि क्या ये सही टाइम है एग्ज़ाम लेने के लिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनका। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग को मालूम होगा कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि जनवरी से उनका सेशन स्टार्ट है, क्लासेस चल रही हैं और अच्छे तरीके से चल रही हैं, तो उनके लिए सफिशियंट टाइम मिल गया है 5-6 महीने का, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सबको इन्फॉर्म मैं कर देना चाहता हूँ कि आप लोग का 1 जून से एग्जाम होगा, आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन जारी रखें, सफिशिएंट टाइमिंग है आप लोग के पास, अच्छे से अपने प्रिपरेशन को तैयार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहां पे, जो बच्चे थर्ड में हैं, फिफ्थ में हैं या सिक्स्थ में हैं, उनका तो अभी अभी एग्जाम ही खत्म हुआ है, आई थिंक 4 या 5 को सारे कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होकर वो लोग अभी फ्री हुए थे, और तुरंत 5 दिन बाद SBT बिहार ने यह झटका दिया है कि उनका एग्जाम 1 जून 2022 को, यानी कहा जाए तो कह सकते हैं आप लोग 2.5 महीना का टाइम, क्योंकि मास तो आधा हो गया है, आप लोग जान रहे हैं, 2.5 महीने का टाइम मिला है उन्हें। तो क्या 2.5 महीना में प्रिपरेशन संभव है कोई भी सेमेस्टर का? तो आप लोग को जैसा कि मालूम होगा, एक सेमेस्टर जो होता है, एक सेमेस्टर हमारा 6 मंथ का होता है ना, कहीं पे भी ऑल ओवर आप इंडिया चले जाओ, AICT का नॉर्म्स है कि एक सेमेस्टर 6 महीने का, लेकिन हर साल हम लोग देखते आए हैं कि कभी भी हमें 6 मंथ का प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिला है, सेशन लेट होने की वजह से या फिर कोई और रीजन की वजह से 3 से 4 महीना हमें मिलता था, ठीक है, कभी कभी 5 महीना, जो कि तैयारी के लिए सफिशियंट होता था, दिक्कतें आती थी बट हम लोग कर लेते थे, बट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इस बार सिर्फ 2.5 मंथ मिला है। तो क्या ऐसे में सेमेस्टर एग्जाम संभव है? सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि 95% रख लो आप लोग चांसेस हैं कि ये डेट एक्सटेंड होने का, किसका? फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं, जो बच्चे थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में हैं उनका एग्जाम, ये डेट 95% चांसेस हैं कि SBT इसे एक्सटेंड कर दे, ठीक है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2.5 महीने में कोई भी कॉलेजेस हो, सबसे पहली बात आप लोग को मालूम होगा, आप लोग सभी कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज से अगर होंगे तो कॉलेजेस में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं चलती है किसी कॉलेज में, तो कॉलेजेस में अगर पढ़ाई ऐसे नहीं चल रही है तो क्या 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर देगी कॉलेज? हाँ, वो कंप्लीट कर देगी, बट ओनली ऑन पेपर्स, रियल में जो सिलेबस उनका कंप्लीट होगा मेरे ख्याल से 40% भी नहीं होगा। और आप लोग को मालूम होगा, जो बच्चे थर्ड सेम में है, चलिए उनके लिए न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है, उन्हें समझने में भी उनका टाइम लगेगा, वो लोग अभी एलिमेंट्री पेपर से अभी वो लोग ब्रांच पेपर पे आए हैं, तो इतना कम टाइम में कैसे हो पाएगा? और जो बच्चे 6th सेम में हैं उनके लिए तो भाई क्या बोलूँ, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सेमेस्टर होता है। आप लोग को मालूम होगा कि SBT का लास्ट सेमेस्टर, डिप्लोमा का लास्ट सेमेस्टर कितना मायने रखता है किसी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, ये लास्ट सेमेस्टर उनका कैरियर डिसाइड करता है, क्योंकि इसका मार्क्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, और इसमें सभी स्टूडेंट का कोशिश रहता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करके इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। तो क्या 6th सेमेस्टर की तैयारी के लिए मात्र 2 से 2.5 महीने देना सफिशियंट है? ये SBT की गलती है। पहला यहां पे सरकमस्टांसिस में बता देता हूं, हो सकता है यहां प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, बट प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक होती तो एक जगह होती, दो जगह नहीं।
हो सकता है ये जल्दबाजी में नोटिस निकाल दिया गया हो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ये एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर का नोटिस हो सकता है, या अगर सिक्स सेमेस्टर की नोटिस दिया गया है ये एसबीटी के बोर्ड के द्वारा सिक्स एंड थर्ड, तो इस पे आंदोलन होगा, ऑब्वियस सी बात है, सपोर्ट नहीं मिलेगा बच्चों को एसबीटी के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, और 95% चांसेस आप लोग रखिए एक्सटेंड होने का। लेकिन इससे ये नहीं कि आप लोग प्रिपरेशन छोड़ दें, अभी आप लोग का सेमेस्टर खत्म हुआ, आप लोग रिलैक्स नहीं करने लगे कि चलो अभी सेमेस्टर खत्म हुआ, एक महीना हम लोग रिलैक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं, ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में हैं उनसे भी मैं कह सकते हो आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अब आप लोग का एलिमेंट्री पेपर नहीं है, यहाँ से आपका ब्रांच पेपर स्टार्ट हो गया है, जो सिविल से हैं उनका सिविल पेपर है, जो इलेक्ट्रिकल से हैं उनका इलेक्ट्रिकल पेपर है, सारे ब्रांच के रिस्पेक्टिव पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपको डिप्लोमा लाइफ में। तो इसीलिए टाइम बहुत कम है, अगर इसी टाइम में एसबीटी बोर्ड एग्जाम ले लेती है तो ये छात्रों के साथ सरासर नाइंसाफी होगी, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर इसी टाइम में ले लेती है एग्जाम, एक जून से एग्जाम हो गया अगर सिक्स सेम का और थर्ड सेम का, तो ये नाइंसाफी होगी बच्चों के लिए, नाइंसाफी होगी, इसमें कहीं पर भी कोई भी दोराए नहीं है। लेकिन इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि आप लोग फिलहाल अभी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, बाकी आने वाले समय में जो भी होगा हम लोगों से, छात्र संघ से, सब लोग हमारे आप लोग के बच्चों के सहयोग में लगे रहेंगे, और ये डेट एक्सटेंड होगी, 95% चांसेस है डेट एक्सटेंशन की। सो इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और ये नोटिस का क्या है, आप लोग को मालूम होगा कि पिछले बार मतलब नोटिस तो निकलते रहती है एसबीटी बोर्ड पर, उतना आप लोग ध्यान दीजिएगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा, और सिक्स सेमेस्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का टाइम नहीं है। सो आप लोग अपने कॉलेजेस में अगर क्लासेस चल रहे हैं कॉलेजेस में क्लास कीजिए, नहीं चल रहे हैं तो कहीं अच्छा कोचिंग ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और अपना आने वाले सेमेस्टर का तैयारी करें, बिल्कुल भी टेंस्ड ना हो। मैं देख रहा हूँ मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ इसलिए मुझे ऐसा वीडियो बनाना पड़ा, और मुझे अचानक कॉल आने लगा कि दो महीने में एग्जाम होने वाला है, कैसे होगा क्या होगा, तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ एसबीटी की हिस्ट्री में, दो महीने ढाई महीने में कभी एग्जाम नहीं लिया गया एसबीटी बोर्ड के द्वारा, पिछले का कभी भी उठा के देख लो, अभी पैंडेमिक चल रहा है उससे पहले का आप देख लो रिकॉर्ड, कभी भी इतनी जल्दी एग्जामिनेशन नहीं ली गई एसबीटी बोर्ड के द्वारा, तो इस बार कैसे ले लेगी एसबीटी बोर्ड, इस बार कैसे ले लेगी। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंस्ड नहीं हो, टेंशन फ्री रहे, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए और अपना पढ़ाई जारी रखे, पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई भी बाधा कोई भी रुकावट नहीं आने दे। और अगर आप हमारे साथ चैनल पर न्यू जुड़े हैं को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।